कौन क्या कर रहे हो? वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत, और सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और ये वीडियो शायद आप लोगों को त्यौहार बीत जाए उसके बाद मिले, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को आना जाना, मतलब मेहमान इस समय आते जाते रहते हैं तो समय ही नहीं मिल पाता है कि वीडियो एडिट कर लें, इसीलिए लेट लतीफ़ हो रहे हैं। लेकिन हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में ही पहुंचाएंगे। और भाई अकेले हैं तो थोड़ा समय मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो यहाँ सुबह सबसे पहले किचन की लाइट वगैरह जला दी हो, जैसा कि किचन हमने रात में ही साफ़ सुथरा करके छोड़ दिया था, और यहाँ आ गए हैं छत पे थोड़ी सी सुबह सुबह की ताज़ी हवा लेने। और यहाँ आम में देखो फल मतलब बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, लग रहा है इस बार बहुत ज़्यादा फल आएंगे। तो पहले हमारे यहाँ होली यहीं पे जलती थी, जो ये पानी भरा हुआ है तो घर के पास में था, लेकिन इस बार जो है तो होली मतलब कहीं अलग जली है, तो इसलिए मोहल्ले में काफ़ी सन्नाटा लग रहा है। क्योंकि होली जलती थी तो बड़ा चहल पहल रहता था और बहुत मतलब डीजे वगैरह और सब बड़ा नाच गाना होता था, लेकिन इस बार तो यहाँ पानी भरा हुआ था तो इसीलिए यहाँ नहीं हुआ है। होलिका दहन कहीं अलग किया गया है घर से, मतलब थोड़ी दूर पे जहाँ हम लोग नहीं गए थे, यहाँ रहता था तो निकलते थे बाहर, लेकिन अलग फिर नहीं जाना हुआ। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाएं, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ सुबह सुबह आ गए हैं छत पे मतलब गमलों में पानी डालने, ताकि दिन में कोई टेंशन न रहे, क्योंकि कलर वगैरह सब लोग खेलने लगते हैं तो मैं तो बाहर ज़्यादा निकलती नहीं हूँ क्योंकि मैं खेलती भी नहीं हूँ, वैसे भी इस बार अकेली हूँ तो घर पर मतलब अंदर काम करना और खाना पानी बनाना तो उसी लगी रहूंगी, तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाऊंगी बाहर। और बस आ गए हैं नीचे, और आप लोग पूरी वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को एंजॉय करिए, फिर कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। हेलो, मैं हूं किलो। हम तो गोरे गोरे हैप्पी होली। अरे आप देख सकते हैं मेरा फेस कैसे हो गया, क्योंकि मैं बहुत देर से मैं भी खाली एक मिनट के लिए गया था, मैं अपना खाली खाता हूँ मुझे सब बड़ा देख लीजिए, मतलब खाली एक मिनट के लिए गया था, ये हाल हुआ है। तो दो घंटे के लिए जाऊँगा तो सोच रही क्या होगा। और ये मेरी मम्मी बनाने कटूंगी, ये भी इनको भी मैं, ये भी गोरी हैं तो इनको मैं भी काला करूँगा। तो इनका तो कलर खेलना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा लगाए हुए हैं। और बाहर कोई सूट करने वाला नहीं था, इनके इतना कलर लगा हुआ था, इनको मोबाइल मैं दे नहीं सकती थी वरना कहीं पानी वानी में गिरा देते तो मोबाइल भी ख़राब हो जाता। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, जो है वही आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, बाकी जो बाहर का नहीं सूट कर पाई तो कोई बात नहीं है, फिर कभी भगवान ने चाहा तो अच्छे से सूट करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ होली कैसे होती है। और फिलहाल यहाँ आलू की कचौरियाँ बना रहे हैं क्योंकि इनके फ्रेंड लोग बाहर बैठे हैं, सब लोग अपना पार्टी जमाए तो उनके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना बना के अंदर से भेज रही थी, पापड़ वगैरह तल के भेज दिए हैं तो वो लोग अपना बाहर खा रहे हैं। क्योंकि हर साल का यही रहता है कि हमारे यहाँ आलू की कचौड़ी ज़रूर बनती हैं, उन लोगों को इतनी पसंद आती हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, और खूब खाते हैं सब बैठ के, तो हम बनाते रहते हैं वो लोग बाहर खाते रहते हैं। तो बन गया है बाकी सब कुछ, और अब थोड़ा सा कलर मोहल्ले में औरतें आ गई थी तो वही थोड़ा सा कलर लगा दी हैं बस। कौन क्या कर रहे हो? पता नहीं कितना लगाया, सब पक्का कलर लगाए थे भाई, इनको येलो कलर में मिला के येलो कलर में पक्का कलर मिला के इनके लगा, मुझे ले मैं तुम्हें बुरा बोल रही हूँ। अब चलिए नहाते हैं।
वजह से हम पूरा भरे बचे हैं, लेकिन अभी इतना कलर खेला है कि क्या बताएं। वो हरा कलर जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद है, जो सफाई है समझ में नहीं आती, पहले करो फिर बाद में करो, इसीलिए समझ में नहीं आती। वही थकावट लग गई है, सुबह 4 बजे से उठ के लग गए थे किचन में, कुछ भी नहीं शुरू कर पाए क्योंकि रात में तो इसी तरह उठे हैं। 4 बजे उठने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या था कि वो आ रहे, उठना पड़ेगा, सब लोग आते जाते हैं। तो ये देखो मम्मी, तो ये देखो हुआ पड़ा है, अभी भूलने के लिए बैठे हैं कि आ जाए वो भी खेलो के। किचन तो साफ कर लिए हैं, इसीलिए जो भी बनाए तो कुछ भी नहीं सूट कर पाए क्योंकि दिमाग बिल्कुल एकदम अजीब सा था। एक तो रात में जगे थी तो थकावट भी महसूस हो रही थी, लेकिन बाहर का थका खाना भी था और अकेले भी थे, कोई तो कुछ बनाए भी नहीं है, सब रेडीमेड आया है, भुजिया वगैरह बनाए थे बस और कुछ भी नहीं। बाकी खाने में वही जो पूरी कचौड़ी ये सब जो बनता है पकवान ये सब बनाए, कोई है नहीं खाने वाला, किसके लिए बना के रखते। और बाकी जब आते हैं तो अपना चिप्स वगैरह पापड़ वगैरह तो होली का मेन होता ही है, तो तभी करते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कर रखी हूँ, साफ साफ खा रहा मैं बिल्कुल। बस गुलाल अच्छा लगता है, गुलाल लगा लो फट से नहा लो साफ हो जाता है, कलर वगैरह तो रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है, हस्बैंड बहुत कलर खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन अब कम कर दिए हैं, पहले बहुत ज़्यादा खेलते थे। वो गुलाल नहीं खेलते थे, वो भी पक्का वाला कलर खेलते थे, लेकिन अब जो है कम खेलते हैं। और फिलहाल तो इस साल तो उनकी अचानक से दर्द होने लगी थी तो रात में वो परेशान हो गए, फिलहाल सुबह से ठीक हैं, लेकिन क्या हुआ रात में इन जगह तो इसलिए थोड़ा हमारे जो है बैटरी डाउन है, पैरों में दर्द होने लगी है, तो करना भी था क्योंकि 4 लोग आते हैं बाहर से और इनके फ्रेंड वगैरह सब आते हैं, तो खेलने नाश्ता पानी सब कुछ करना था बनाना था। तो फिलहाल के लिए तो सब कुछ हो गया है, वो लोग निकल गए हैं अपना कला खेलने के लिए और हमने किचन वगैरह सब कुछ साफ कर लिया है, अभी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाए तब घर की साफ़ सफाई करें, और ये लगा हुआ है साफ सफाई में। यहाँ इनको लगा दिए हैं कि अपना कलर थोड़ा थोड़ा साफ करो और फिर हम बाद में साफ कर देंगे। ये वैसे भी अपने शरीर में हाथ नहीं लगाने देता है, लेकिन आज देखो इसकी हालत कि मतलब इतना ये हरा वाला कलर खेला है कि मैं क्या बताऊं। ये लेके आया था तभी से मेरा मूड खराब हो गया था कि हरा कलर क्यों लेके आए हो तुम छोटे हो, लेकिन इसको कलर खेलने की पता नहीं। तुम अपने हाथ से पहले साफ कर लो फिर बाद में हम साफ करते हैं। मैं पहले हल्के हल्के हाथ से धोके साफ करूं। देखो हमको कितनी देर तक इंतज़ार करना पड़े, सोच रहे हैं कि हम अंदर से थोड़ा थोड़ा काम अपना स्टार्ट कर दें क्योंकि पता नहीं कितनी देर उनको लगे, अब घर से निकल चुके हैं तो बाहर कितना समय लगेगा ये तो पता नहीं है। वैसे तो बोल के गए थे कि हाँ जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अब बाहर जाने के बाद कितना समय लगता है। उन्होंने बुलाया था, थोड़ा कलर लग गया, बाकी मैंने कलर कुछ भी नहीं खेला है,
आपको को क्या पसंद है जरूर बताना भाई, अपनी अपनी पसंद होती है। जैसा कि हमारे हस्बैंड जो है उनको पक्का कलर खेलने का शौक है, बहुत ज़्यादा खेलते हैं। फिलहाल आप कुछ कम कर दिए हैं, पहले बहुत ज़्यादा खेलते थे, मतलब पूरा एकदम जो है कलर सर से पाँव तक पूरा रहता था, लेकिन फिलहाल के लिए आप कम कर दिए हैं थोड़ा। हमने नहीं खेला है कलर वाला, तो हल्का सा गुलाल लगा दिए थे साथ में कुछ। और फिर मैंने इंतज़ार किया थोड़ी देर, फिर हमने कहा चलो भैया अपना हम धीरे धीरे काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या कलर में होता है ऐसा कि मतलब कलर शरीर में लगते ही जैसे शरीर में थकावट सी महसूस होने लगती है, हमें ऐसा लगता है उसमें जैसे लगता है कि कोई नशा वगैरह रहता है, कलर लगते ही इतनी थकावट हो जाती है शरीर में, इतनी थकावट मैं क्या बताऊँ, हमको ऐसा होता है भाई, पता नहीं सबको होता है या नहीं। तो अंदर से हम पूरा घर धुल के आ गए हैं, अभी पोछा मारना बाकी है और यहाँ महफिल जमी थी, सब लोग अपना बैठे थे, तो चलिए फटाफट अपना धुलाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं वो कितनी लेट में आएंगे, उनके इंतज़ार में हम कितना यहाँ समय बेकार करेंगे, जब तक वो आएंगे तो अपना हम पूरा काम कर लेंगे और वो आते रहेंगे, जब आएंगे तो अपना नहा लेंगे, सोच रहे थे आ जाएंगे तो अपनी गाड़ी वगैरह भी उनको धुलनी है, बाइक से गए हैं तो बाइक भी आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी कलर लगा है तो धुलाई करेंगे भी बाइक का। और आखिर में हुआ क्या था कि मैं सारा काम कर चुकी थी, मतलब बाहर का भी धुलाई कर चुकी थी, तब वो आए थे लास्ट में बिल्कुल, फिर से उन्होंने मोटर चलवाया, फिर से मतलब धुला, तो हम तो खैर धुल के और सारा कुछ आ गए थे अंदर, हमने कहा कि ठीक है तुम अपना बाइक वगैरह धुल के आना और मैं चल के तब तक कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ ताकि मतलब जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर काम करते रहो लोग होली मिलने के लिए आने लगते हैं और एक तो नहा के तुरंत थकावट इतनी रहती है कि थोड़ी देर ले तो भी ना तो शरीर को भी नहीं आराम मिलता है, और हमें क्या है कि सारा काम मतलब हो जाए उसके बाद थोड़ा अगर रिलैक्स मिल जाता है तो शरीर को भी थोड़ा अच्छा महसूस होता है, तो सबसे पहले मतलब सारा यहाँ का निपटाए पूरा बाहर का, और अंदर जैसा बोला ना कि अभी पोछा मारना बाकी है तो यहाँ सबको धुल लेते हैं फटाफट, अपना पानी वगैरह पी लेते हैं, और वैसे बाहर का जब बेटे लोग रहते थे तो वही लोग करते थे, मैं नहीं करती थी, मैं केवल अंदर का कर लेती थी, बाहर बच्चे कर लेते थे, लेकिन इस बार तो अंदर और बाहर सब कुछ मुझे ही करना पड़ा। तो हस्बैंड वैसे कह रहे थे मतलब बोल के गए थे कि बाहर का हम धुल देंगे, लेकिन भैया उनका धुला हुआ मेरे समझ में नहीं आता है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं धुल पाते हैं, तो इसीलिए हमने कहा उनके आने से पहले चलो हम धुल लेते हैं, वो आके अपना बाइक वगैरह धुल लेंगे, और क्या है वो धुलेंगे कम और काम मेरा ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसीलिए मैं भैया नहीं चाहती कि वो धुले। और क्या था मतलब पहले वो कभी कभार मतलब बाहर धुल देते थे, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से मैं दोबारा धुलती थी या बच्चों से धुलवाती थी, क्योंकि वो पता नहीं कैसे पानी वगैरह खींचते थे, नहीं हो पाता है क्योंकि कभी करते हैं नहीं, अगर करें तो शायद आदत पड़ जाए लेकिन कभी करते हैं नहीं, और कभी अगर मूड हो गया कि चलो कर दे तो अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं, तो इसीलिए उनका किया हुआ काम हमको नहीं समझ में आता है, बाकी तो कर लेते हैं लेकिन ये धुलाई वगैरह जो है ये नहीं कर पाते हैं, पानी ही नहीं खींच पाएंगे अच्छे से, तो इसीलिए हमने कहा हम ही भैया धुल लेते हैं और कौन अपने मत्थे दोबारा काम फिर से बढ़ाए, तो इससे अच्छा है कि हम ही पहले धुल लें ताकि वो अपना काम करते रहेंगे, मैं अपना काम फटाफट निपटा लेती हूँ। तो यहाँ का तो लगभग में सारा कुछ हो गया है, बस पानी वगैरह खींचना था तो वो खींच दिया है, और वो आ गए थे तो अपना गाड़ी वगैरह बाहर धुल रहे हैं, और हम आ गए हैं अंदर तो पोछा मतलब मार लेते हैं, क्योंकि घर तो पहले ही धुल दिया था जैसा कि बताया था कि मतलब धुल दिया था, और क्या होता है ना कि धुलने के बाद कितना भी वाइपर से खींचो लेकिन कहीं ना कहीं पानी रह ही जाता है, तो मेरी आदत है हमेशा से कि कभी भी अगर घर धुलेंगे तो बाद में पोछे से ज़रूर मतलब पानी सुखा लूँगी ताकि अच्छे से सूख जाता है, और पोछा मैं हमेशा बैठ कर लगाती हूँ, वैसे तो पोछा लगाने वाले से हम लगा सकते हैं लेकिन नहीं, इसी बहाने थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है और अपना शरीर भी फिट रह है, पोछा लगाने से वैसे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है हमारे मानने से, क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि पोछा लगाने से बैठ के लगाओ तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, वैसे खड़े होके लगाओ तो क्या है ना पेट वैसे भी बढ़ता रहता है, तो ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपना बैठ के लगाऊँ ताकि हमारी भी सेहत ठीक रहे, तो इधर हमारे कपड़े भी धुल गए हैं,
बस उनको निकाल के और खंगालना है, क्योंकि मैं बाहर मशीन से निकाल के तभी खंगाल के डालती हूँ, और मशीन में एक दो बार पानी डाल के पहले खंगाल लेती हूँ, उसके बाद बाहर निकाल के अच्छे से खंगाल के फिर मैं फैलाती हूँ। मशीन में नहीं, ऐसे डायरेक्ट धुल के और निकाल लेती हूँ। मेरी मन ही नहीं मानता है, पता नहीं क्या है, यही सब आदतें हैं मेरी, जो थोड़ी सी सोच रही हूँ कि चेंज कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है चेंज करना, क्योंकि हमको काम में बहुत इसीलिए टाइम भी लग जाता है कि अपना फटाक से अपना मशीन में चलो पानी लगा है तो चलो साफ कर लो, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता जब तक उसको हम अलग से निकाल के नहीं खंगा लेंगे। तो यहाँ नहा के और थोड़ी देर आराम कर लिया था, छत पर गए, बाल वाल सुखा लिए अच्छे से धूप में, और फिर आ गए नीचे तो शाम की तैयारी करने लगे, क्योंकि लोग होली मिलने के लिए आने लगे थे, तो हमने कहा नाश्ता वगैरह अपना लगा देते हैं, और पहले जो है ऐसे मतलब ट्रे वगैरह में लगा के दे देते हैं, क्योंकि कलर वगैरह इतना हाथ में लगा रहता है तो फिर सब खराब कर देते हैं, तो इसीलिए मतलब इस बार हमने होशियारी की, कहा भैया नाश्ता हम बाद में ही लगाएंगे इस बार नहीं, क्योंकि हमेशा यही होता है कि मतलब नाश्ता हम लगा के देते हैं और कलर लगे रहते हैं हाथों में और ऐसे सब निकालते रहते हैं नाश्ता, तो गुलाल वगैरह उसी नाश्ते में गिर जाता है, फिर बाद में उसको हटाकर हमको दोबारा फिर से लगाना पड़ता है। और इस बार केवल नाश्ता हमने एक जगह ही तैयार किया, क्योंकि हर साल का यही होता है, बहुत नाश्ता हमारा ख़राब होता है, क्योंकि लोग इतने घरों से मिलते मिलाते आते हैं तो कोई खाता तो है नहीं, तो बस इसीलिए हमने सोचा नहीं इस बार केवल हम एक जगह नाश्ता लगाएंगे, क्योंकि सुबह हम बहुत लोगों को बहुत कुछ खिला चुके हैं, तो अब इस बार नहीं करेंगे। तो हस्बैंड गुस्सा भी हो रहे थे कि मतलब और दूसरा क्यों नहीं लगाया, ये वो है, हम कहें नहीं इस बार हम एक जगह ही नाश्ता लगाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हाँ लाइफ को एंजॉय करते रहना जो कि बहुत ज़रूरी है। तो लोग होली आए हैं, बैठे हुए हैं, उनके लिए यहाँ मतलब पेप्सी कोल्ड ड्रिंक जो भी है तो इसको निकाल रही हूँ, उनको फटाफट दे देती हूँ। और बच्चों को आजकल कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा शौक आ गया है, हमको तो भाई ना गर्मी में पसंद है ना ठंडी में पसंद है, कभी भी नहीं पसंद है, पहले पसंद था पर अब नहीं पसंद है। तो बस आज के लिए इतना ही, उसको बस।